मैं दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन के चीफ पैट्रन प्रशांत रोहतगी बब्बू जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले अगले पहलवान भी तैयार रहे। मंजीत सिंह और परविंदर में मंजीत सिंह नहीं आएंगे, परविंदर को वाकओवर मिला हुआ है। और अगली बाउट होगी असीम मास्टर चंदकी राम लाल पट्टी वर्सेस अंकित गुरु हनुमान नीली पट्टी, ये भी तैयार रहे। असीम मास्टर चंदकी राम वर्सेस आसिफ मास्टर चंदकी राम वर्सेस अंकित गुरु हनुमान। श्री भूपेश जी जो कि पंजाब प्रो रेसलिंग लीग के कोच हैं, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, उन्होंने समय निकाला और दंगल में आके शोभा बढ़ाई। हम लोग उन्हें अभी सम्मानित करेंगे इस कुश्ती के बाद। भारतवर्ष में इंटरनेशनल कोच श्री महासिंह राव, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। सरकार द्वारा पद्म श्री द्रोणाचार्य अवार्ड और सभी अवार्डों से सम्मानित हैं और सभी पहलवानों के वो गुरु हैं। उनका भी कमेटी हार्दिक धन्यवाद करती है और इसके कुश्ती के बाद उन्हें सम्मानित करेगी। इस दंगल के आयोजन में खलीफा जी के साथ दिन रात मेहनत करके सुरेंद्र काली रमन जी ने जो मेहनत की है, आज उसी का ये नज़ारा है। दूर दूर जाके सभी लोगों को निमंत्रण देना, धन इकट्ठा करना, और आपको जानकर खुशी होगी कल इस दंगल का लाइव इंडिया टीवी में दिखाया जाएगा। और ये लाइव भी हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी के प्रयत्नों से हो रहा है कि इतने बड़े चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट कल दिखाया जाएगा। कल इंडिया टीवी की वो भी बहन आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शेरे दिल विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, संरक्षक दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन। इसके बाद अगली कुश्ती का उद्घाटन करेंगे हमारे द्रोणाचार्य महासिंह राव जी, भूपेश कोच साहब, रोहतास गर्ग जी, अशोक गर्ग जी, अर्जुन वार्डी, दोनों ही भारत के श्री पहलवान रह चुके हैं। देश के एक तरफ युवा पहलवान हैं, दूसरे तरफ अनुभवी खिलाड़ी हैं। बहुत ही अच्छी कुश्ती आपके बीच। पूरे प्रोग्राम का 138 देशों में लाइव टेलीकास्ट, महिला व पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता, महान भारत के श्री उस शख्सियत पद्म श्री गुरु हनुमान जी की याद में, जिन्होंने इस देश को सैकड़ों नहीं हजारों पहलवान देश को दिए हैं। दंगल कमेटी उनको नमन करती है। मैं ओम प्रकाश जी को बता दूं कि जब हम माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि भाई ओम प्रकाश शर्मा जी आपके जो विधायक हैं, संरक्षक हैं, दुल कुश्ती को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। मैं दंगल का इनविटेशन देने गया तो उन्होंने कहा मैं लखनऊ में हूँ कल और रविवार। उन्होंने जब एक लेटर टाइप करा और लेटर टाइप करके उन्होंने गुरु हनुमान के प्रति अपनी जो आस्था थी वो रखी, वो ओम प्रकाश जी सुनाएंगे। मित्रों, आज सावन का पहला दिन है। पूरे देश और दुनिया में
आज भोले शंकर की पूजा पूरा भारतवर्ष कर रहा है। ऐसे पावन मौके पर यहाँ दंगल का आयोजन किया गया है। और अभी जैसा कि बब्बू खलीफा ने बताया कि लखनऊ में अभी प्रवास है माननीय नरेंद्र भाई मोदी का, और वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे आदरणीय राजनाथ जी हैं, तो इसलिए उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। तो ऐसे मौके पर हमारे राजनाथ जी, जिनका बहुत स्नेह बब्बू खलीफा और कुश्ती दोनों के साथ ही है, उनका जो पत्र है वो आप सभी के लिए, हम सब के लिए। यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि भारतीय कुश्ती को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने वाले पद्म श्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी की स्मृति में महान भारत केसरी दंगल महिला एवं पुरुष का आयोजन दिनांक 28/29/2018 को गुरु चिरंजी अखाड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अखाड़ा रहा है। और मुझे लगता है तो